अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज फातिमा है। मैं फसलानसर की रहने वाली हूँ, फसलानसर पोचम्मा बस्ती। और मेरी शादी को 16 साल हुए। मेरे को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी है, जो मेरे पर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, ये एक महीने से तो बहुत ज़्यादा होगा, एक साल से तो परेशान कर रहे थे, टॉर्चरा कर रहे थे, लेकिन अब ये रमज़ान के जब से इतना टॉर्चर कर रहे, गांजा पी रही और शराब पी रही, मारम तोड़ी, घर को दो दो दिन चार चार दिन ऐसा नहीं आ रहे। फिर आके बोल रहे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची के ऊपर मारम तोड़ी कर रहे, सब करते कराते पिलाना जमा रहे हैं लोग। परसों तो 12 बजे में, दिन के 12 बजे मेरे दोनों बच्चों को और मेरे को उनके बहनों को भेज के इस कदर मारे हैं, इतना मारे हैं मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस मेरे को इंसाफ चाहिए। जुल्म की क्या वजह है आपकी सताने की? क्या वजह भी कुछ नहीं, मेहनत नहीं करते इन। मैं मेहनत करना, मेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा लेना, सब करना, बस इन जाते और आते, 15 दिन चले जाते, 8 दिन चले जाते, फिर पीते खाते गांजा मारते, आके मेरे को मारम पीटी, पैसा दे वो दे। अब तो ऐसा होगा, परसों तो ऐसा बहनों को ले लेके आके ऐसा मार मारे हैं मेरे को, 30,000 रुपये भी ले लिए, 1.5 तोला सोना भी ले लिए, और बहनों से भी मारा खिलाए, खुद भी मारा मारे। वो बहनों का नाम है कौसर और शबाना, ये 2 बहना मिलके इस कदर मारे हैं हम तीनों को कि पूरा लॉकअप डाल दिए, वो दरवाजे से भी लॉक किए ताकि हम बाहर नहीं जाना। फिर वो पीछे वाले पूरे गवाह हैं हमारे गली के लोग ऐसा करें हमारे साथ। तो अब मैं क्या करूं, मैं इतनी मजबूर हूं, मैं इतना मेहनत करके करने के बाद भी मेरा आदमी मेरे साथ सही नहीं है। इन्होंने मेरे उससे शादी करे बाद इतने शादियाँ, इतने औरतें, इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस मेरे को एक ही हुआ, पुलिस कंप्लेंट करे फिर? जी हाँ, पुलिस कंप्लेंट मैं कर दी। हफ्ते के दिन ये हमला हुआ। हमले के बाद हम लोग हुमायूं नगर PS में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट दे के 3 दिन हो रहा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिए। कमिश्नर साहब और असद साहब से ये गुजारिश है मेरी कि जल्द से जल्द हमारे हक में कुछ और हमले के बाद कंप्लेंट देने के बाद ये मोहम्मद इब्राहिम मेरे शौहर का फ़ोन आ रहा कि अगर तुम लोगों का कंप्लेंट वापस नहीं लिए तो जान से मार दे तो बोल के बोल रहे मेरे को, मेरे बच्चों को। बस इतनी गुजारिश है असद साहब से, कमिश्नर साहब से जल्द कोई एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ। अगर इसके बाद कुछ हुआ हमारी जानों को तो इसके ज़िम्मेदार मेरे शौहर इब्राहिम और मेरे दोनों नंदा शबाना और कौसर रहेंगे। हमेशा घर पे नहीं आते, पर जब भी आए मम्मी को टॉर्चर करते हम लोग के सामने। अगर हमला बीच में गए तो हम लोगों को मारते, ड्रिंक विंक करके आके मारते। परसों तो हमारे फूफू लोग सब जने मिलके हम लोगों को मार के गए, पैसे ले लिए मम्मी के, 30,000 गोल्ड रखा हुआ था घर में वो लेके चले गए। मम्मी कंप्लेन करे, कंप्लेंट करने के बाद जो है सो मम्मी को फ़ोन आ करके टॉर्चर कर रहे, तुम्हारे को तुम्हारे बच्चों को हमला मार देते बोल के। फ़ोन कर रहे हो? हमारे फूफू शबाना फूफू और कौसर फूफू दोनों कर रहे, फ़ोन आ करके टॉर्चर कर रहे, मार देते तुम्हारे मम्मी को, तुम लोगों को केस वापस ले लो बोल के। शादी तो हो जाए, उनकी बच्ची की शादी है, इसलिए अभी उन लोगों का मैटर को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। उनकी बच्ची की शादी हो गए बाद आके मारते बोल के बोल रहे। हम लोग को तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है कि हम लोग को इंसान आप लोगों को जान से मारने की धमकी। शबाना पप्पू, कौशल पप्पू, हमारे पप्पा और उनके भाया कोई बेटे कुछ है, उन लोग बोल रहे कॉल करके, न्यू नंबर है उनसे कॉल कर रहे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो भी तो हम लोग तेलंगाना पुलिस से यही दरख्वास्त है कि हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे मम्मी को रोज़ आके मारते, हमारे पापा हम लोग के सामने मारते, हमला गए तो बीच में हम लोग को भी मारते। हम लोग उस दिन हमारे साथ कोई भी नहीं थे, इसलिए हम लोग को आके मार के चले गए। साफ होना, इंसाफ दो अपना प्लीज़।